आप कहाँ से हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या है? हम भीज गांव जिला प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ और तहसील हमारा रानीगंज है और हमारा भीज गांव के रहने वाले हूँ और वहाँ हमारा मकान भी है। मकान के सामने हमारे झांखर और पैरा रख दिया गया है, गोबर गाजा गया है, जिसमें कि जमीन हमारी है, डिग्री 3 बार हुई है और उसमें हमको आने जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और झांखर पैरा पूरा गाज दिया गया है। अच्छा। जिसमें हमने एसडीएम साहब को सूचना भी दे दिए हैं और अभी कोई सुनवाई नहीं भैया हो रही है हमारी और हमको बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। प्रधान किसके पक्ष में जा रहे हैं? प्रधान तो किसी के पक्ष में नहीं जा रहे। चलिए चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किए, हमको हमारी समस्या पूरी की जाएगी और हम इसलिए भाई आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा जो दिक्कत है उसको देखिए। ठीक है, धन्यवाद। चाचा, भारतवर्ष में लोग जो मुँह से कथा कहते हैं तो कथा का व्यापार नहीं होना चाहिए। अच्छा। और कथा जो लिखी गई है उसी के अधीन, चाहे हिंदी में ही कहे, संस्कृत में नहीं बोल पाते तो, लेकिन कथा के अंतर्गत ही कथा कहें। अच्छा। और कथाकार व्यापार ना करे। अच्छा। नहीं तो एक मान के चलिए कि इसका विस्फोट होगा। अच्छा। और पूरे भारतवर्ष में हर पंचायत स्तर में गौ की सेवा हो। अच्छा। वो भी अपने भारत की मूल गऊओं की सेवा, बछड़ों की सेवा हो। अच्छा। हाँ नहीं, भारत में जो कोरोना आया है उससे भी ज़्यादा महामारी आने की उम्मीद हो सकती है यदि गौ सेवा नहीं होगी तो। अच्छा। हाँ, इसको आप निकालिए। मेरा सतानंद पांडे, पोस्ट मऊगंज है, ग्राम हिड़वार है, थाना मऊगंज है, जिला रीवा मध्य प्रदेश है। अच्छा। मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा। रात में बारिश हुई है तो आप मैंने रहने खाने के कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको? अब थोड़ा बहुत तो कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वर्षा हो तूफान हो तो होता है, लेकिन यदि राम नाम का स्मरण करो तो निकल जाता है, फिर सूर्योदय हो जाता है, अंधकार मिट जाता है विद्या का। अच्छा। यहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था निमित्त मात्र है, चाहे वो आदित्यनाथ योगी हो या भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोदी जी ही हो, कोई आई एफ एस अधिकारी हो, SDM हो, वो सब निमित्त मात्र है। यहाँ के स्वयं गंगा मैया अपना प्रशासन कर रही है मेरे समझ में। अच्छा। जय श्री राम। और पूछिए, और पूछ ली। 24 में चुनाव है। हाँ, किसके पक्ष में जा रहे हैं आप? 24 में चुनाव है तो हम अपनी बात बता रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब लोकसभा चुनाव हो तो इस बार आदित्यनाथ योगी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य रख करके ही और ऐसा कार्य किया जाए, क्योंकि हमको मोदी जी से बहुत प्रसन्न है, पर मोदी जी उनको आशीर्वाद देते रहे और थोड़ा सा वृद्ध हैं तो परेशानी होती होगी उनको, इसीलिए क्योंकि उनको मैं अपने हृदय से महापुरुष मानता हूँ मोदी जी को, तो सोचता हूँ कि आदित्यनाथ योगी जी जो एक महंत और महात्मा हैं तो भारत के अंतःकरण की शुद्धि के लिए, बाह्यकरण की शुद्धि के लिए और अखंड भारत के लिए आदित्यनाथ योगी जी को मैं अपनी पसंद नहीं, मैं हृदय से समझता हूँ कि वो बहुत लंबे समय तक देश की सेवा में लगे रहेंगे। 2024 में आपकी मुद्दे क्या हैं, क्या मांग करते हैं अपने प्रधानमंत्री से, जिसको आप चुनेंगे आप उनसे क्या मांग करते हैं? अब देखिए, कोई भी राजनैतिक नेता है भारत का, जब से प्रजातंत्र हुई है तो कहता तो कुछ है करता कुछ है, ये निश्चित है। अब उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अन्नदाता है किसान की और अपने अखंड भारत की और वैदिक परंपरा की शिक्षा विद्या जो है तमाम संतों की, उसको कक्षा 1 से लेकर के जहाँ तक कक्षा होती हो, MA PhD सब जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश रखा जाए और गीता रामायण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक भी रखे जाएं और एक झंडा एक राष्ट्र की व्यवस्थाएं और हर भारतीय चाहे वो भी किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वो भारत का मूल निवासी है तो उसको भारत के प्रति अपना तन मन धन और प्राण तक समर्पित करने के लिए उसको संकल्पित होना चाहिए। मैं इस गंगा माँ के इस तीर्थराज प्रयाग में ऐसा मैं संकल्प खुद का है और दूसरे का है, और हर भारतवासी एक दूसरे को लूटे ना, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे किसी भी
उस काबिलियत के माथे हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे कोई भी सत्ता में बैठा हो, पंच से लेकर प्रधान, सरपंच, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, किसी भी सत्ता में हो, किसी के साथ छल कपट न किया जाए, क्योंकि अंदर में श्री राम हैं और बाहर में उन्हीं की माया का काम है। और एक चीज बताइए, 2025 में महाकुंभ है जी, तो लक्ष्य रखे हैं मोदी जी की 40 करोड़ जनसंख्या आएगी। भाई वो प्रधानमंत्री जी हैं भारत देश के, उनकी काबिलियत, उनके सर्वे को भाई वो जाने क्या होगा, लेकिन ये है कि इतनी जनसंख्या आएगी तो व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर ढंग से, और उस व्यवस्था में पूरी जो चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं उनका एक प्रकार से मार्गदर्शन लेना भी जरूरी होगा। चार स्तंभ बना करके जो धर्मपीठाधीश्वर हैं और शासन भी उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए मार्गदर्शन लेते हुए इस आने वाले कुंभ का, माने सत्ता में बैठे हुए चाहे कोई भी हो, ए से लेकर जेड तक उसका संचालन करें। गंगा माँ की कृपा से जो हमारे हृदय में आया उसको मैं बता दिया हूँ। जैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे बात किए। चलिए।